हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स फैक्टर होप यू आर डूइंग वेल फ्रेंड्स इस शॉर्ट वीडियो में जो कि हमारी वीकली मार्केट एनालिसिस का पार्ट है इसमें हम अगेन एक स्टॉक का एग्जांपल लेंगे जिसमें हमें एक टिपिकल बुलिश सेटअप देखने को मिल रहा है और हम देखेंगे कि उसमें क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं तो स्टॉक का नाम है टाटा कंज्यूमर्स सो so, स्टॉक को एनालाइज करने के लिए हम डैशबोर्ड को यूज करेंगे एंड एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन हमने ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है डिफॉल्ट यूजर से एंड यू कैन सी द डैशबोर्ड ऑन द होम पेज सो फ्रेंड्स एनालिसिस करने के लिए हम अपने डैशबोर्ड को फुल स्क्रीन मोड में स्विच करेंगे और उसके लिए हम नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड विल क्लिक ऑन दिस आइकन सो फ्रेंड्स नाउ वी हैव स्विच टू फुल स्क्रीन मोड और अगर आपको नॉर्मल मोड में वापस जाना है तो आप गो बैक के आइकन को क्लिक कर सकते हैं या अपने कीबोर्ड का एस्केप बटन प्रेस कर सकते हैं सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस तो हम क्विकली नीचे टेबल्स में स्क्रॉल कर लेते हैं क्योंकि हमने स्टॉक वहां से चूज किया है क्योंकि हमें उसमें बुलिश सेटअप देखने को मिला था लास्ट डे तो अगर आप लास्ट ट्रेडिंग डे में देखेंगे तो हमें टाटा कंज्यूमर्स में ऑलमोस्ट बहुत अच्छा ओआई बिल्डअप देखने को मिला और हमें प्राइस राइज भी बहुत अच्छा देखने को मिला जो कि फोर से ऊपर का प्राइस राइज था ऑलमोस्ट एट का उसमें क्यूमलेटिव ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप था यानी लॉन्ग साइड में और अगर हम कैश मार्केट का डेटा देखें लास्ट ट्रेडिंग डे का तो आप यहां देख सकते हैं कि डिलीवरी परसेंटेज भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफी अच्छा रहा जो कि 156 परसेंट का है यानी पिछले पाँच दिन के कंपैरिजन में जो बाइंग हुई है वो एबव एवरेज बाइंग हुई है तो अगर हम इसको होवर करके देखें तो हमें पिछले पाँच दिन का इसमें पता चलेगा तो हमें पिछले पाँच दिन में दो दिन शॉर्ट कवरिंग और एक दिन न्यू लॉन्ग पोजिशन बनती हुई दिखी है अब हम इस स्टॉक को फर्दर एनालाइज करेंगे उससे पहले अगर हम इस स्टॉक पर क्लिक करेंगे तो जो नीचे का टेबल है हमारा जो हम प्रेजेंट करते हैं तो ये टेबल इस स्टॉक के लिए फिल्टर हो जाएगा तो यहाँ पे हम क्विकली उस स्टॉक के मेन मेन इंडिकेटर्स देख लेते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है कि जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है यानी सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग जो स्ट्राइक प्राइस है वो एट है और हम होवर करके ऑप्शन चेन भी देख सकते हैं यहाँ पर तो हमें देखने को मिल रहा है कि जो सबसे बिग बार है जो वन मिलियन से ऊपर का बार है वो एट का स्ट्राइक प्राइस है फिर हम देख सकते हैं कि जो पुट राइटिंग है सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग जो है वो 780 पे है यानी 780 एक स्ट्रांग सपोर्ट की तरह है पुट कॉल रेशियो 0.66 है फिर हम 20 डे मूविंग एवरेज देखें 50 डे और 200 डे तो स्टॉक जो है ऑलरेडी तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है और अपने 52 वीक हाईक के आसपास है जो कि आप देख सकते हैं 810 तो ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के पास आ गया फ्रेंड्स इस स्टॉक को फर्दर एनालाइज करने के लिए हम स्टॉक्स एनालिसिस पेज में जाएंगे और वहां देखेंगे कि, कि किस तरीके का इसमें सेटअप बन रहा है सो फ्रेंड्स वी आर इंटू द स्टॉक्स एनालिसिस पेज और हमने ऑलरेडी टाटा कंज्यूमर स्टॉक को सिलेक्ट कर लिया है और बाय डिफॉल्ट जो टाइम फ्रेम है वो थ्री मंथ्स का है तो जैसा कि हम देख रहे थे कि पीसीआर रेशियो जो 0.66 है और लास्ट क्लोजिंग प्राइस जो था वो 807.45 था अब हम फ्यूचर्स डेटा से स्टार्ट करते हैं तो अगर आप देखें कि ये मल्टी मंथ ट्रेंड ग्राफ है जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस किया है ये तीनों ग्राफ फ्यूचर के क्यूमलेटिव ओपन इंटरेस्ट को डिस्क्राइब करते हैं ये मल्टी मंथ है यानी हर एक्सपायरी का एक डेटा पॉइंट है जो कि आपको मल्टी मंथ ट्रेंड बताता है ये हर वीक का एक डेटा पॉइंट है और ये डेली का तो बेस्ड ऑन ग्रेन्युअलिटी जिस तरीके का भी आप ट्रेडिंग सेटअप चाहते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म देख रहे हैं तो आप डेली को फॉलो करेंगे और अगर आप मल्टी मंथ पोजीशन लेते हैं यानी पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों बहुत अच्छे रहेंगे तो आप इस ग्राफ को देखें तो हमें पिछले दो एक्सपायरी से इसमें स्लाइटली लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला है और शॉर्ट कवरिंग इससे पिछली एक्सपायरी में हमें थोड़ी सी इसमें शॉर्ट बिल्डअप था लेकिन उसके बाद हमें लॉन्ग बिल्डअप मिला थोड़ा सा और फिर शॉर्ट कवरिंग अगर हम वीकली ट्रेंड देखें तो यहां पे हमें पिछले दो हफ्ते से लगातार एक लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला है और काफी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला है विद प्राइस राइस एंड स्ट्रॉन्ग इंक्रीज इन क्यूमलेटिव ओपन इंटरेस्ट सेम हमें वीकली में भी देखने को मिल रहा है कि लास्ट टू डेज में हमें एक सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिला है प्राइस में भी और फ्यूचर्स के क्यूमलेटिव ओपन इंटरेस्ट में भी अब अगर हम ऑप्शन का डेटा एनालाइज करें स्टार्टिंग विद द पीसीआर ट्रेंड तो आप यहां देखेंगे कि पीसीआर में बहुत अच्छा जंप आया आयानी पुटकॉल रेशियो में पुटकॉल रेशियो इंक्रीज हुआ है विद द क्लोज प्राइस यानी प्राइस के साथ इंक्रीज हुआ है तो ये एक हेल्दी साइन है यानी पुट राइटिंग ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू दी कॉल राइटिंग और कॉल अनवाइंडिंग भी हो रही है तो इसका मतलब पुट राइटर्स आर कंफर्टेबल राइटिंग पुट्स एट हायर स्ट्राइक प्राइसेस और यहां पे अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये हमें थ्री मंथ्स का ट्रेंड बताता है

करंट मंथ का और ये दूसरा ग्राफ जो है ये आपको जितनी भी एक्सपायरीज करके बता रहा है मनी तो ऑप्शंस के प्रीमियम एकदम से बढ़ जाते हैं यानी जब करेक्शन का स्कोप होता है अगर हम इन ग्राफ्स को रेगुलरली मॉनिटर करें तो ये ग्राफ्स हमें ये हेल्प करेंगे कि जब भी फार आउट ऑफ द मनी के जो प्रीमियम्स द मनी ऑप्शन के प्रीमियम में एकदम सिग्निफिकेंट जंप आएगा तो वो एक सिग्नल होता है कि एक करेक्शन आ सकता है यानी एक मेजर या माइनर करेक्शन एकदम से आ सकता है शार्प करेक्शन आ सकता है तो जब भी हमें आउट ऑफ द मनी ऑप्शन के प्रीमियम एकदम ज्यादा देखने को मिले तो इसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी हम ऑप्शन चेन को एनालाइज कर लेते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि ये लास्ट ट्रेडिंग डे का है टोटल क्यूमिटी ओपन इंटरेस्ट एज ऑफ टूडे और ये चेंज इन ओवाई जो लास्ट डे को जो चेंज हुआ है ऑप्शन चेन में और ये पिछले सिक्स डेज का तो आपको सेवन डेज का व्यू एक ही पेज में मिल जाता है एक ही ग्लैंस में जिसे आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन चेन में जो ओपन इंटरेस्ट है वो किस तरह से शिफ्ट हो रहा है डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस में और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कैसे शिफ्ट हो रहे हैं तो अगर हम पिछले छह दिन का देखें तो फिफ्थ ऑगस्ट से स्टार्ट करें तो सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग जो थी वो सेवन एट्टी सेवन नाइनटी आप देख सकते हैं सेवन सेवनटी तक के लेवल्स में थी यानी काफी नीचे लेवल्स में हमें स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग देखने को मिल रही थी। ये तीनों बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन था पूरा लेकिन उसके बाद हमें कॉल एंड वाइंडिंग देखने को मिली और साथ में पुट राइटिंग इंक्रीज होती गई और कॉल एंड वाइंडिंग जो है कंटिन्यू रही और अगर हम यहां पे देखेंगे जो अभी का सिनेरियो बन रहा है एट हंड्रेड पर जो है हमें पुट राइटिंग भी देखने को मिल रही है और कॉल राइटर्स भी एक्टिव हैं और उसके बाद जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस जोन है वो एट ट्वेंटी है और अगर हम लास्ट डे का चेंज इन ओवाई देखें तो वहाँ पर हमें कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिली तो ये एक हेल्दी साइन है कि प्राइस इंक्रीज हुआ और फिर जो नीचे के स्ट्राइक प्राइसेज है वहाँ पर कॉल अनवाइंडिंग हुई और पुट राइटिंग हुई तो इसका मतलब पुट राइटर्स आर कम्फर्टेबल कि वो आठ सौ तक के स्ट्राइक प्राइस में पुट राइटिंग कर रहे हैं और जो कॉल राइटिंग है वो हमें 810 एंड 820 के स्ट्राइक प्राइस में देखने को मिली सो एज पर दी ऑप्शन चेन 800 से नीचे हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है इंट्राडे में अगर स्टॉक 800 से नीचे जाता है तो वहां पे हमने जैसा देखा कि पोट राइटर्स एक्टिव हैं तो यानी वो स्टॉक को 800 से नीचे ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं करने देंगे और अगर एट तक जाता है तो वहां पर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा आइए इसको फर्दर टेबल में डिटेल एनालाइज करते हैं तो आप देखेंगे कि जो नीचे का ये टेबल है हमें कंप्लीट व्यू देता है रो रो हर डे का तो आप देखेंगे कि लास्ट ट्रेडिंग डे में हमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला अच्छा खासा और प्राइस में इंक्रीज हुआ उसके साथ हमें जो टोटल पोट राइटिंग है वो बहुत अच्छी देखने को मिली और कॉल राइटिंग जस्ट उसकी हाफ थी तो अगर आप नंबर्स देखें तो कॉल राइटिंग जो थी वो ऑलमोस्ट 8 लाख के आसपास थी और पुट राइटिंग जो थी वो 16 लाख के आसपास थी अब अगर हम पिछले महीने के यानी एक्सपायरी के लास्ट डेटा पॉइंट से कंपेयर करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा जो एक्सपायरी हुई थी जुलाई में वो 751 पे हुई थी और उस समय जो फ्यूचर क्यूलेटिव ओपन इंटरेस्ट था वो सेवेंटी लाख के आसपास था और आज के दिन अगर आप देखें लास्ट ट्रेडिंग डे में प्राइस है एट के आसपास और जो फ्यूचर क्यूलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो है सेवेंटी लाख एटी वन थाउजेंड के आसपास तो यानी हमें काफी अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है फोर लैक्स के आसपास का ओपन इंटरेस्ट में और प्राइस इंक्रीज हुआ है तो यानी इस डे से इस डे के बीच में जितनी भी एक्टिविटी हुई है उसमें लॉन्ग एक्टिविटी ज्यादा हावी रही है यानी लॉन्ग पोजिशन बनी है क्योंकि ओवरऑल प्राइस में इंक्रीज आया है और ओपर इंटरेस्ट में इंक्रीज आया इतने दिनों के बीच में तो ये एक हेल्दी साइन है यानी इन 10-12 दिनों में लॉन्ग पोजीशंस बनी है और अगर हम पिछले दो तीन महीने का भी ट्रेंड देखें तो आप देखेंगे कि रोल ओवर परसेंटेज को भी हमें कंसीडर करना है मल्टी मंथ ट्रेंड में तो आप देखेंगे कि रोल ओवर परसेंटेज ऑलमोस्ट नाइन्टी है अगर हम पिछली दो एक्सपायरी का देखें तो यहाँ पे नाइन्टी था और इससे पिछली एक्सपायरी में 96. अगर तीनों मंथ्स का हम एवरेज लें तो ये एक अब एवरेज रोल ओवर परसेंटेज है जो कि एक हेल्दी साइन है अब यहाँ पे नेक्स्ट सिनेरियो क्या बनता है कि हमें इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 820 है जो क्लोज प्राइस है वो 807 के आसपास है तो ये एक अटेम्प्ट कर सकता है नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में 820 तक जाने का तो यहाँ पे एक रूम है फर्दर अपसाइड का और अगर इंटर में हमें किसी वजह से डिप मिलता है एट के नीचे अगर हम एट का जो प्रीमियम है वो देखें तो एट का अगर पुट का प्रीमियम देखें तो लगभग जो है यहां पे हमें जो प्रीमियम देखने को मिल रहा है 800 पे वो पुट का है 12.95 तो अगर हम इस प्रीमियम को कंसिडर करें तो रफली एक रेंज बन रही है 800 से नीचे कि 790 या 788 और 800 के बीच में इसमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगा अगर ये स्टॉक इस रेंज में आता है तो वहां से बायर्स जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और वहां पे हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है अगेन आठ से ऊपर तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको एनालाइज करना है आपको इमीडिएट लेवल्स अगर नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए देखने तो आप इस तरह से इमीडिएट लेवल्स निकाल सकते हैं कि कहां पे बाइंग आ सकती है और कहां पे जो है सेलिंग होगी सबसे ज्यादा तो अगर इस स्टॉक को फर्दर ऊपर जाना है एट ट्वेंटी के ऊपर तो हमें एट हंड्रेड टेन और एट ट्वेंटी पे कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिलनी चाहिए अच्छी खासी और साथ में पुट राइटिंग देखने को मिलनी चाहिए तभी जो है ये ट्रेंड हेल्दी होगा अदरवाइज 820 के ऊपर जाके वो सस्टेन नहीं करेगा और वहां से हमें एकदम सेलिंग देखने को मिलेगी तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको स्टॉक को एनालाइज करना है अब अगर हम क्विकली अपने हॉटस्पॉट्स पेज में चले तो वहां पर भी हम देख लेते हैं स्टॉक को सिलेक्ट करके कि क्या स्नेरियो बन रहा है तो आप देख सकते हैं कि नाउ वी आर इन टू द स्टॉक्स हॉटस्पॉट्स पेज और यहां पे हम क्विकली सेलेक्ट कर लेते हैं टाटा कंज्यूमर्स तो यहां पे हम सर्च करेंगे अगर हम टाटा टाइप करेंगे एंड देन विल सिलेक्ट टाटा कंज्यूमर्स तो फ्रेंड्स जितने भी टेबल्स हैं इस पेज में वो फिल्टर हो गए तो अगर हम क्विकली देखें कि टाटा कंज्यूमर्स किस किस टेबल्स में फॉल यानी किस किस फिल्टर में वो कंसिडर हो रहा है तो यानी स्टॉक इन वेरी स्ट्रांग अप ट्रेंड तो यहां से आपको एक इमीडिएट फिल्टर मिल सकता है कि वो स्टॉक एक स्ट्रांग अप ट्रेंड में है तो यानी वो ट्वेंटी डे फिफ्टी डे और टू हंड्रेड डे एक्सपोनेशियल मूविंग एवरेज तीनों से ऊपर चल रहा है तो यानी एक स्ट्रांग ट्रेंड में है और इसी तरह से अगर हम देखें तो वो ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के आसपास है और उसने एक नया 52 वीक हाई भी बनाया है तो 810 का जो हाई था वो पिछले दिन को ही बना था और फिर वो 807 के आसपास क्लोज हुआ सो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पेज में हमने कुछ नए टेबल्स एड किए हैं जो की बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पेज को हम डिटेल में एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट वट डू वी मीन बाय दीज फोर टेबल्स और साथ में हमने दो न्यू टेबल सेट किए हैं स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के लिए तो हम इस पेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियो में तो ये कुछ हमने नए फीचर ऐड किए वेरी रिसेंटली इंडेक्स एनालिसिस स्टॉक्स एनालिसिस और हॉटस्पॉट्स पेज में सो so फ्रेंड्स इस तरह से आपको स्टॉक को एनालाइज करना है सो दिस वीडियोज आर फॉर लर्निंग पर्पसेस सो दैट यू कैन डू योर ओन एनालिसिस फॉर एनी स्टॉक और इंडेक्स यूजिंग द डैशबोर्ड एंड आइडेंटिफाई हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब टू अर चैनल टू गेट द ऑफ सच वीडियोज जिसमें हम टाइम टू टाइम यूज केसेस डिस्कस करते हैं स्टॉक्स को लेके या इंडेक्स को लेके एंड फ्रेंड्स वी अगेन रिकमेंड टू वॉच द डेरिवेटिव एनालिसिस सीरीज प्लेलिस्ट जिसमें फिफ्टीन वीडियोज हैं ये हमने अपने रिसेंटली हर वीडियो में बात की है कि प्ले लिस्ट आप जरूर देखें जो भी नए यूजर्स है, नए हैं नए सब्सक्राइबर्स हैं जिसमें हमने डेरिवेटिव एनालिसिस को डिटेल में डिस्कस किया है सारे पॉइंट्स कवर किए सारे इंडिकेटर्स जो हमने अपने डैशबोर्ड में यूज किए उनकी थ्योरी उनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड देन द डेमो एंड फ्रेंड्स इफ यू वांट टू गेट द एक्सेस टू फुल वर्जन ऑफ आर डैशबोर्ड यू कैन विजिट आर वेबसाइट डब्ल्यूब्ल्यू डब्ल्यू वहां पर हमने अपने सब्सक्रिप्शन प्लान्स की डिटेल्स मैंशन कर रखी है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं You can get the access to full version of our dashboard by paying a very nominal charge. So friends see you in another video. Take care and goodbye.